हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु क्लासेस। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डियर फिजिक्स से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हर लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या पुलिस हो, है ना। ये फिजिक्स ऐसे क्वेश्चन है कि आपको आएंगे आएंगे, पूछे पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने एक कलेक्ट किया हूँ और स्पेशली लेकर आया हूँ, जो आने वाले एनटीपीसी और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और लास्ट तक देखिएगा, ताकि फिजिक्स के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कवर अप कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, वस्तु का वास्तविक वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? समतल दर्पण से बनता है ना, कैसे बनता है? समतल दर्पण से बनता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा होता है? सीधा हमेशा समतल और उत्तल में बनता है। आप भी पढ़े होंगे कि जो अवतल लेंस, अवतल दर्पण होता है, उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है सिवाय एक कंडीशन को छोड़कर। तो कौन कौन से होंगे? समतल और उत्तल, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रतिकृति कैसी होती है? जब भी आपको रियल इमेज कहा जाएगा, रियल मतलब इन्वर्टेड, RI याद रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कहता होगा उल्टा। अगर वास्तविक का मतलब क्या होता है? रियल। अगर रियल बोला तो इन्वर्टेड होगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किसमें? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। डियर, आपने भी पढ़ा होगा, ये कैसे पढ़ा होगा आपने, इस तरह की सिचुएशन आपने देखा होगा। ये आता है, ये निकल जाती है इधर, इसको बोलते हैं आपतन, और ये हमारा नॉर्मल लाइन होता है ना। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये होते हैं आपतन कोण, ये होते हैं परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है और आभासी। आभासी मतलब क्या था? काल्पनिक, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। डियर, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है। मांसपेशियाँ मार देते हैं, पुतली मार देते हैं, लेकिन क्या होगा? परितारिका। परितारिका ही है जो कि उसको कंट्रोल करती है, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखाई देता है? आप सूर्योदय सूर्यास्त के समय आप देख सकते हैं, तो आपको चपटा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? चपटा आपको दिखाई देगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर, तो दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त तो नहीं किया जाता? मिट्टी। डियर, आप भी जानते हैं कि मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है। लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसमें स्टार लगा कर रखिएगा इस पर, है ना। पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन। लोग पूर्ण परावर्तन आंतरिक परावर्तन मारते हैं, ये गलत है ना, ये भी गलत है। तो क्या होगा इसका? अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? ये भी अपवर्तन। सारा रिफ्रैक्शन का कारण है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, द्वारक, है ना। क्या कहा था? द्वारक। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.40। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे प्रकृति में अब सबसे हार्ड कौन सा होता है? हीरा होता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। सॉरी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा होता है? सामने उत्तल दर्पण लगा होता है, जितने हम लोग पीछे देखते हैं, साइड मिरर, है ना। टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्रवृत्ति होती है? संतृप्त प्रकाश पुंज।
दो तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। इससे कैसे निकलता है? संतृप्त निकलता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, लेकिन हमारा माइंड ऐसा है कि उसे सीधा करके देखता है ना। नेत्र लेंस में समायोजित की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर कम की निकट के हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है? परिवर्ती द्वारक की भांति। कैसा? परिवर्ती द्वारक की भांति। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत पर होता है ना, कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा रियल इमेज बनता है। कौन सा रंग जिसे खतरे के लिए सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा, आपको पता है, लाल रंग का प्रयोग होता है। किसका होता है? लाल रंग का प्रयोग होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। विद्युत बलों का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर, है ना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। जनित्र मतलब समझ रहे हैं, जनरेटर, है ना। क्या? जनरेटर। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है आउटर लेंस। दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तर लेंस। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? छोटा हो जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। दूरदृष्टि दोष वाले आके साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को। डियर एक याद रखिएगा, जो दृष्टि दोष होता है वो दिखता है, उसका दूसरा वाला नहीं दिखता है, है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखती है, निकट की नहीं दिखती है। नेक्स्ट, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? अधिबिंदु। मानव नेत्र में होता है उत्तर लेंस होता है, हमेशा उत्तर लेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का समय अंतर होता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्रकृति का स्पेक्ट्रम है। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला। कहते हैं ना अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है, वही चीज़ है। वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन सा है? उसे रेटिना कहते हैं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र का वह मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कैसा होती है? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक का प्रयोग होता है? तो व्यावसायिक मोटरों में कहता होता है विद्युत चुंबक। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? कौन सा है? हृदय तथा मस्तिष्क। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ को छड़ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहे। किसका? नरम लोहे का हम लोग का उपयोग करते हैं चुंबक बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भूलिएगा नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? यूरेनियम से प्राप्त होता है। शरीर कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पेशी ऊर्जा, जिसको हम लोग कहते हैं मसल्स एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? मसल्स एनर्जी। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना गया है? सूर्य को। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय वो होता है जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे विशाल स्रोत क्या है? सूर्य। डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, है ना। सौर सेल और ऊर्जा के किस ऊर्जा का रूपांतर, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में।
निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? सीएनजी, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन सा है? हरित लवक। कार्य का एसआई मात्रक जूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है ना जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। पारेषक ये भी दूरी की है ना, एक पारेषक कितना होता है? 3.46 प्रकाश वर्ष होता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारेषक है ना। कौन सा मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष मात्रक नहीं है, समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। ज्योति तीव्रता कैंडेला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में। ऊर्जा, खाद ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? एम्पियर। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति क्या है? डायोप्टर। लेंस की पावर क्या? डायोप्टर, कैपिटल डी से लिखते हैं इसको। एम्पियर क्या नापता है? करेंट। क्या नापता है? करेंट। निम्न में से कौन सा वेक्टर है? वेक्टर कौन सा? बल, फोर्स इक्वल टू होता है ना एम ए, तो फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं ना, ये हमारा वेक्टर की पहचान है, ये जो एरो है वेक्टर की पहचान है। निम्न में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन सा एक नहीं है? द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि, अदिश राशि है, बाकी सारा सदिश है। अदिश राशि ऊर्जा। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी है? संवेग, बाकी सारा अदिश राशियाँ हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। लोग गलती मार देते हैं, कॉपरनिकस मार देते हैं, लेकिन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। क्यूरेशक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव। निम्न में से कौन सबसे अत्यधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। स्टील की प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है? इलास्टिक। क्या होता है? इलास्टिक। तो कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है? स्टील से ज़्यादा इलास्टिक होता है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचता है? गुरुत्वाकर्षण बल। देखो घुमा के पूछने का तरीका है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है? 1/6। तभी तो कहते हैं 60 किलोग्राम का वस्तु है तो कितना बन जाएगा हमारा वहाँ जाकर? 10 किलोग्राम है ना। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन से। प्लवन मतलब कहा था ना कि अगर कोई जल में कोई फ्लूड में अगर कोई वस्तु डूब रही है तो उस पर जो बल लगेगा उसके द्वारा स्थापित की गई वॉल्यूम के बराबर होगा। नेक्स्ट, श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता मतलब, श्यानता क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। क्या है? पॉइस। पॉइस भी है और म्यू से भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। चाबी से भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा कौन सी उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन। कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व, डेंसिटी है जिसके कारण वो तैरता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश नहीं है? आयतन। आयतन एक सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है, इसका कोई दिशा नहीं होता है ना। एंगस्ट्रम क्या नापता है? तरंग दैर्ध्य को। कहते हैं ना 7500 एंगस्ट्रम, 1500 एंगस्ट्रम। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी, हम्फ्री डेवी। क्या था? हम्फ्री डेवी। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था?
राम फूड बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना। इसका लोग क्या मार देते हैं, वो आइंस्टीन भी मार देते हैं कभी कभी, आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आंसर में क्या होगा, राम फूड। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका परिणाम क्या है? लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका परिघटना क्या है? प्री सरफेस टेंशन। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? देखो ऑप्शन के अनुसार पेट्रोल सबसे कम है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्फ दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाएगा। डियर ये हमारे जो थे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। ये वैसे क्वेश्चन है फिजिक्स के जो लगभग हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको करने के बाद आपको फिजिक्स की कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और इसी तरीके से हमारे देखते रहिए चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर हम नए चैनल के साथ आपको मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।